गुरु घासीदास कला व साहित्य विकास और संस्कृति विभाग के सहयोग से शनिवार व रविवार को 2 दिवसीय गनियारी लोक कला महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस आयोजन का समापन रविवार को किया गया। इस महोत्सव में प्रदेश भर के राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कलाकारों ने मनमोहक प्रस्तुतियां दी। गुरु घासीदास कला व साहित्य विकास समिति के और संस्कृति विभाग के सहयोग से 2 दिवसीय गनियारी लोक कला महोत्सव का आयोजन किया गया। इस महोत्सव में प्रदेश भर के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियां दी। इस आयोजन का समापन रविवार को हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सुपुत्र चैतन्य बघेल, मुख्यमंत्री के OSD मनीष बंछोर, CSP विश्वास चंद्राकर शामिल हुए। सभी अतिथियों का स्वागत सम्मान समिति के अध्यक्ष और महापौर निर्मल कोचरे और समिति के सदस्यों ने स्मृति चिन्ह भेंट कर किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोग शामिल रहे। इस पूरे आयोजन को लेकर आयोजक समिति के अध्यक्ष महापौर निर्मल कोचरे और मुख्यमंत्री के OSD मनीष बंछोर ने अपनी प्रतिक्रिया दी। प्रयास भाई निर्मल कोचरे ने 12 साल पहले किया था, आज इस आयोजन का 13वां वर्ष है। मैं इस आयोजन के ग्रामवासियों को भाई निर्मल कोचरे को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। छत्तीसगढ़ की लोक कला संस्कृति जो हमारी एक अनुपम छटा है, मैंने एक प्रयास किया था गाँव वालों के सहयोग से 2009 में कि हम जो गाँव में रहने वाले कलाकार हैं एक मंच प्रदान करें जिससे छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति में एक निखार आए और लोक संस्कृति और कला से जुड़े। तो निश्चित रूप से वो क्रम लगातार जारी रहा और अनवरत चलते रहा। मैंने प्रयास किया था कि छत्तीसगढ़ की जो लोक संस्कृति है उसको अन्य राज्य के भी कलाकार उनको समझे जाने और एक दूसरे के लोक संस्कृति से वाकिफ हों। इसके लिए मैंने प्रयास किया था। विगत 2 वर्षों से मैं प्रयास कर रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ के अलावा भी अन्य राज्यों के कलाकार यहाँ पर शिरकत करें। इसी कड़ी में इस बार महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश जो हमारे छत्तीसगढ़ का भी हिस्सा रहा है उनका गुदुम बाजा भी देखने को मिलेगा और ये एक ऐसा मंच रहा है जहाँ से पद्मभूषण डॉक्टर तीजन भाई एक राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनी और यही वो मंच है जहाँ से उसको प्लेटफॉर्म मिला। उसी प्रकार से डॉक्टर बार्ले जी की शुरुआत भी इस मंच से हुई, अमृता जी की शुरुआत हुई, पद्मश्री नेल्सन जी का भी शुरुआत हुआ, मदराजी सम्मान से उनको नवाजा गया। तो गनियारी का जो ये मंच है सभी कलाकारों के लिए और गाँव वासियों के लिए सौभाग्यशाली रहा है। हाँ, छत्तीसगढ़ के 10 जिलों को हम लोगों ने शामिल किया। इसके अलावा 2 अन्य प्रांत से भी हमारे कलाकार आए हैं, महाराष्ट्र के और मध्य प्रदेश के। छत्तीसगढ़ की जो नाचा है जो लुप्त होती जा रही है उन कलाकार को हम लोगों ने शामिल किया है। राउत नृत्य है, गुदुम बाजा है, ऐसे जो छत्तीसगढ़ के लुप्त प्राय संस्कृति है जिसको आने वाले पीढ़ी भूल रहे हैं उनको हम लोग मंच प्रदान करने का प्रयास कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों ने अपनी मनमोहक प्रस्तुतियां दी जिसे देख लोग मंत्रमुग्ध होते नजर आए। आइए देखते हैं कार्यक्रम की खास झलकियां। बहरहाल ये सफल आयोजन बीते 12 सालों से लगातार किया जा रहा है। इस वर्ष भी हर्षोल्लास से मनाते हुए यहां बड़ी संख्या में लोग शामिल रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट।